बाय बाय। किचन है सामने और ये एक बेडरूम है। भाभी जी वहाँ पे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। तो ये देखे भाई, यहाँ पे कौन सोया पड़ा है? आपका भतीजा अमन। इसको मैं कह रहा हूँ कि उठ जा, लेकिन उठ ही नहीं रहा भाई, जाग ही नहीं रहा है। सुबह सुबह ऐसा सोया पड़ा है गंभीर निद्रा में। और आपकी भाभी योगिता जो है रेडी हो रही है, एंड उसके बाद जो है हम सब, मैं, पापा जी, श्वेता, अमन और हम सब जाएंगे चंडीगढ़। अमन, अमन, पापा के बच्चे, उठ जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जा यार, जागो। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़, धर्मशाला टू चंडीगढ़। एंड भाभी जी वहाँ पे हैं, भैया जी हैं। आरू हेलो करो। यस yes. तो हम जा रहे हैं, बाय बाय, बाय बाय। चलिए जी अब दिखाते हैं आपको धर्मशाला टू चंडीगढ़ का सफर। और सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है, मौसम देखो भाई कितना मस्त मौसम एकदम हो रहा है। ये देखो ऊपर धौलाधार की रेंज, भाई मजा आ गया है। 12 महीने बर्फ रहती है पहाड़ों पे, और धर्मशाला तो एक खूबसूरत नगरी है भाई, बहुत सुंदर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ यार, बहुत लेट हो जाऊंगा चंडीगढ़ पहुँचने में। तो बस वीडियो को बाद में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लंच करेंगे या कुछ भी है। अभी तो हम चाय पी के निकल के आ गए हैं। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे ड्राइव करना, जैसा कि आप लोगों को पता। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे पैदा हुए बड़े हुए हिमाचल में। लेकिन आप लोग अगर कभी हिमाचल में आते हैं तो बिल्कुल सेफ ड्राइव, एंजॉय, टेक केयर। भाई हमारे देश में डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रही है। ये देखो भाई, जगह जगह पे यहाँ पे पुल बन रहे हैं हिमाचल में। जो ये रोड है आप देख रहे हो, ये वाला रोड कम से कम 15-20 किलोमीटर का चक्कर था। जब ये वाला पुल बन के रेडी हो जाएगा तो ये चक्कर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर का। भाई ये नेचुरल टनल है, ये देखो टनल। हेलो दोस्तों, ये देखिए चंडीगढ़ जाते हुए, धर्मशाला से चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते में पड़ता है ये वाला टेम्पल, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है ना, इस टेम्पल की खूबी ये है भाई, यहाँ पे जो भंडारे चलते रहते हैं। और टेम्पल की खूबी बताता हूँ, इसके अंदर जो पेड़ है अंदर है, और ये 12 महीने हरा रहता है भाई। ये इस मंदिर की खास बात है, हमारे पापा जी जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे माथा टेक के जरूर जाते हैं। और आज जो है मैंने अमन को, योगिता, श्वेता सबको यहाँ पे उतरने के लिए कहा है। यहाँ पे माथा टेकने के बाद फिर से प्रस्थान करेंगे हम चंडीगढ़ की ओर। भाई बड़े बड़े ट्रक ना पहाड़ों पे ऐसे चढ़ते हैं, मतलब बताओ जैसे कोई मतलब छोटी सी साइकिल चल रही हो। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे पापा जी भी वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए काफी टाइम हो चुका है, तो चंडीगढ़ पहुँचने में अभी 2 घंटे बाकी है। तो सोचा कि रास्ते में जो है कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बाहर बैठने के लिए, खुला स्पेस है, तो हम बाहर बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे। और ये देखिए भाई यहाँ का जो व्यू है बाहर का, ये देखिए आप कितना अच्छा व्यू है। आलू प्याज के परांठे, वाह भाई वाह। सो दोस्तों ये है हमारे इंडिया के हाईवे। भाई साहब बाहर के जो रोड है ना, इतने बढ़िया हो गए हैं। योगिता, हाउ इज द रोड? Very pretty, very good, huh? Yeah. Developing India. आ गया हमारा घर, आ गया चाचू, आ गया चाचू। ये तो कोई चाचू आ गया, चाचू आ गए, चाचू आ गए। ये हमारा नया घर है, जाओ। नमस्ते भाभी, नमस्ते, खुश रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। चलो जाओ चाचू के पास जाओ, हमारा नया घर आ गया। यहाँ पे हमारा नया घर है, ऊपर हमारा नया घर है। यहाँ पे हम अपना घर देखने के लिए आए हैं। चलो आ जाओ भैया, चलिए।
गया है, हम पहुंच चुके हैं हमारे एक नए घर पे। यहाँ पर भाई काम हो रहा है। हो गया जी तैयार? बढ़िया हो गया, तैयार हो गया बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं फ्लैट में, अभी पूरे होने को थे लेकिन कह रहे हैं कि हो गया है। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या काम हो चुका है, क्या रह गया है। सो मेरे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे घर के अंदर। यहाँ पे टीवी पैनल लगेगा और यहाँ पे किचन है सामने, और ये एक बेडरूम है, एंड यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल लगेगा, एंड यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, एंड बाहर बालकनी। और कैसा है फ्लैट? बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी एक हमारा रूम है, और ये ग्रिल मैंने लगवाई है, ये बालकनी है। तो आप देख के बताइए कैसा है, कमेंट में लिख के बताना। और यहाँ पे भी एक टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ से दूसरे रूम पे एंटर कर सकते हैं। 200 स्क्वायर यार्ड का है। अगर आपको भी चंडीगढ़ में कोई फ्लैट चाहिए तो बता देना। लकड़ी का काम हुआ है, सारी लकड़ी है भाई, टीक की लकड़ी है। देखना बाहर, ये देखिए भाई बाहर एक बालकनी इस साइड पे है, ये काफ़ी बड़ी है, एंड यहाँ पे टैब लगी है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, पानी भी आता है। ये जो सामान यहाँ पे यूज़ किया है ना भाई, ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है हमने। शीशे काफ़ी बड़े हैं, अंदर से मैंने ग्रिल लगवा दी है सेफ्टी के लिए, काफ़ी अच्छा है। और सामने पार्क है, एक पार्क यहाँ पे बनेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ की कि स्पेस खुला है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनने वाली नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया था। हेलो दोस्तों, सो मैं पहुंच चुका अपने फ्लैट में। हमारे सर जी ने हमें जो है चाबी हैंड ओवर कर दी है, इन्होंने ही सारे बिल्डिंग, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो सर ने बनाई है। और ये है नितिन भाई, जिन्होंने हमें पूरा का पूरा फ्लैट रेडी करके दिया है, और जो कमी पेशी थी उसको पूरा करने के लिए सर यहाँ खुद से आए, खुद से घर पे दौरा किया, एक एक चिटकनी एक एक कुंडी जो है सर ने बोला कि हम सब सही करके देंगे। सर हमारे साथ आए, उन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम जो है नेक्स्ट कभी भी अगर फ्लैट देखते हैं, घर देखते हैं, कुछ भी, तो मेरे सब्सक्राइबर और हम सब जो है सर से कॉन्टेक्ट करेंगे। क्या होंगे धन्यवाद आप सबका सपोर्ट, प्यार ऐसा बने रहना चाहिए, उसी की बदौलत आज जो आपके भाई का चंडीगढ़ में अपना एक फ्लैट है, अपना घर है। कभी आप चंडीगढ़ में आते हो तो यहाँ पे हमारे साथ ठहर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को देखते रहो, आज के दिन में जो भी एक्टिविटीज होंगी सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। हेलो गाइस, सो फाइनली नितिन भाई के साथ हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इनके ऑफिस के सामने। ये द ड्रीम की, और जो है नितिन भाई, जो ड्रीम जो आपका होता है घर लेना, उसकी की जो है नितिन भाई आपके हाथ में देते हैं ना, सपनों की की नितिन भाई ने दे दी हमें। और यहाँ पे हमारे पापा जी भी आ चुके हैं हमारे साथ में। और अगर आपको चंडीगढ़ में घर लेना है तो नितिन भाई से बढ़िया डील आपको नहीं मिल सकती है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ, इससे बढ़िया डील नहीं मिलेगी। इससे बढ़िया जो काम है, फिनिशिंग है, वो आपको मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी। लेक सिटी में सबसे कम प्राइस में भाई कह रहे हैं। ठीक है, लोकेशन अच्छी, मार्केट लोकेशन बढ़िया, मार्केट बढ़िया, सोसाइटी बढ़िया, पब्लिक बढ़िया, भाई अच्छी बढ़िया हमें फ्लैट दिलाएगा, हम तो सेटिस्फाइड है भाई, मजा आ गया। नितिन भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपको सबको भी कांग्रेचुलेशन, हमारे टीम का भी कांग्रेचुलेशन। चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मेरे भाई के रूम पे। मेरे दोस्तों, आप जो है पापा जी को हम गाड़ी में बिठा रहे हैं, पापा जी वापस जा रहे हैं चंबा, हिमाचल प्रदेश चंबा। ठीक है दोस्तों, और मैं जाऊंगा वापस चाइना। ये बस आ चुकी है, आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल बढ़िया एसी बस है, ये जा रही है चंबा के लिए, हमारे चंबा के लिए। चंडीगढ़ से रोज बस जाती है भाई।
चलिए जी आपको दिखाते हैं बस कैसी है अंदर से। क्या सीट चेक कर रहे? चलो 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 ठीक है भैया, बैग ऊपर है ना? नहीं नहीं ठीक है फिर। ओके ओके उतर रहे, एक मिनट चल। ओके चलिए जी बाय बाय टू हिमाचल बस। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने और भाई ने जो है बस में बिठा दिया पापा जी को। पापा जी सुबह पहुंच जाएंगे चंबा और मैं भी चाइना वापस जा रहा हूँ, तो इसके लिए अब जो है घर पे जाके थोड़ी पैकिंग करूँगा यहीं पे। और आपके भाई ने घर भी ले लिया है, जिसने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है कमेंट में लिख दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से, किस शहर, किसी सिटी से, वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, अच्छा लगेगा जान के मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।